जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने विशेष कार्यक्रम और विशेष चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक हम जो विशेष जानकारी है और जो धर्म की विशेष चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचा सकें। आप चाहे देश में हों या विदेश में हों, हम हमेशा आपकी राशि के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं और धर्म की नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं ये कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरा कार्य नहीं है, ये आपका कार्य है। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा स्वतः ही करता है। जब भगवान राम वन के लिए जा रहे थे तो उनकी माता ने, माता कौशल्या ने एक ही शब्द उनको कहा कि धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी इस संसार में अपना कोई नहीं है, कोई भी साथ नहीं देता है, सब लोग क्षणिक होते हैं, लेकिन यदि धर्म हमारे साथ है तो हम कभी अकेले नहीं होते हैं। धर्म हमारे साथ है तो हम जीवन में सदैव आगे बढ़ जाते हैं। सुंदरकांड में जामवंत जी ने भगवान राम से कहा भी था कि जामवंत कहा सुन रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया, और ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर परमात्मा की दया हो उस पर सभी लोग अपने आप प्रसन्न होते हैं। इस श्रृंखला को देखते हुए हम सदैव संस्थान के अंतर्गत श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ और रामायण का अखंड पाठ हमेशा आयोजन करते रहते हैं। यदि आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, या श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आपको कराना हो, या सुंदरकांड का अखंड पाठ आपको कराना हो अपने लिए, और आप विदेश में रहते हैं, आपको स्काइप के माध्यम से देखना है, आप भारत में भी रहते हैं, आपको देखना है कि मेरा कार्यक्रम या मेरा पूजा पाठ कैसा चल रहा है या मेरा श्री रामचरितमानस का पाठ कैसा चल रहा है, तो आप पूरी तरह से अपने वहाँ पर बैठे हुए पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप संस्थान का नंबर दिया जा रहा है, पूरी तरह से कॉल करके उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ के बारे में, क्या परिस्थितियां रहेंगी, कैसी रहेंगी, और अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होगी तो उसका क्या उपाय है, किस प्रकार दिक्कतों को दूर किया जा सकता है, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको एक रामायण की चौपाई बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस महीने को बेहतर बना सकते हैं। क्यों इस महीने कुछ परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हैं। विपरीत किस प्रकार की, एक तो जीवन साथी के साथ अनबन आपका जरूर बनेगा, और अनबन बने तो उसको संभालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो अनबन बनने वाला है ना वो विवाह को तोड़ने तक वाला अनबन बनने वाला है, यानी शादी को तोड़ने का योग बन रहा है, जीवन साथी से बिछोह का योग, बिछड़ाव का योग बन रहा है। तो कोशिश कीजिए कि वो योग आपके लिए ना बने, आपसी संबंधों को बेहतर रखें, और इस महीने में लाल वस्त्र कम से कम प्रयोग करें। लाल वस्त्र प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही जीवन साथी से दिक्कतें उत्पन्न होंगी। शादी तय हुई है तो जब भी जीवन साथी से बात कर रहे हैं, जो आपका होने वाला या होने वाली जीवन संगनी या जीवन साथी जो हैं, तो उनसे बड़े प्रेम से बात करें। जब दिखे कि मामला थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, तो उस टाइम पर उसको संभालने का प्रयास करें। ईगो नाम की चीज़ें ना रखें कि इस बार जो दिक्कत आएंगी वो ईगो के कारण ही उत्पन्न होने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। तारीख 15 तक ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। 15 तारीख के बाद जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो आपके मधुर हो जाएंगे, जीवन साथी के साथ परिस्थिति बेहतर होगी। लेकिन अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो मैं निश्चित कह सकता हूं इस महीने में आपका नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो किया गया प्रयास आपके लिए जरूर सफलता देने वाला हो जाएगा। कोई कार्य आपके रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, वो कार्य आपका निश्चित रूप से बनने वाला हो जाएगा। कर्ज इत्यादि बैंक से प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करेंगे आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन तारीख 15 के बाद स्वास्थ्य पिता का अचानक ढीला होगा, बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा होगी, खासकर हड्डियों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं आपको ग्रसित करेंगी, आपको परेशान करेंगी। क्या करना होगा जिससे कि ये समस्याएं उत्पन्न ना हों, एक तो प्रतिदिन सूर्य को एक लोटा जल शहद डाल करके आपको जरूर देना चाहिए पूरे सितंबर के महीने, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। उसके साथ आप यदि इस महीने में पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, अकेले दम पर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तारीख 15 से पहले उसका प्रयास करें, 15 तारीख के बाद ना करें। 15 तारीख से पहले किया गया व्यवसायिक प्रयास आपको सफलता देने वाला होगा। इस महीने अगर मैं उठा करके देखूं, सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है, और उसके साथ 9 का अंक आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है,
किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, शनिवार के दिन उस कार्य को करें, आपको निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में एक चौपाई है, बालकांड के पहले दोहे की चौपाई है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा और सुरुच सुबास सरिस अनुरागा। इस चौपाई का पाठ करके जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा हो कि ये कार्य होना असंभव है, लेकिन इस चौपाई का 5 बार पाठ करके जाइएगा और उसके बाद निर्मल भावना से भगवान राम से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मेरा कार्य संपूर्ण करें। आप देखेंगे आपका कार्य जरूर संपूर्ण होगा, आप जीवन में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे। आज इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा, कोई भी जानकारी किसी चीज़ से भी संबंधित चाहिए, संस्थान सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। आप फ़ोन करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपसे खुद बात करके आपको पूरी जानकारी प्रदान करूँगा। जय श्री राम।